हेलो एंड वेलकम बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम दूसरा एक मंदिर दिखाएंगे जो हमने पहले कभी कवर नहीं किया था, तो वो वीडियो दिखाएंगे नॉर्थ गुवाहाटी में। सबको नॉर्थ गुवाहाटी बोलते ही ये मंदिर का नाम आ जाता है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ जो प्रसाद बांटा जाता है वो इंडिया का सबसे स्वादिष्ट प्रसाद माना जाता है, तो मज़ा आ जाएगा वीडियो में। बहुत सारे लोग आते हैं, सांदे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो हम लोग भी आज सांदे के दिन ही आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Temple is known as Daul Gobinda Temple. It is situated on the northern banks on the foothills of Chandra Bharati Hills at Rajadwar, North Guwahati. The temple is mainly devoted to Lord Krishna. Besides, there is an Namgar along with the temple within the same premises. The temple is open and accessible all the year round, but one can enjoy the thrill of the river cruise as well as walking on white sands of the beaches of Brahmaputra river from the month of November to April. यहाँ मंकीज बहुत आते हैं लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। लोग ऐसे डर जाते हैं लेकिन इसको चिराना नहीं चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट मंदिर है असम के अंदर में और ये बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ आने के बाद आपको आगे और दीर्घेश्वरी मंदिर करके एक मंदिर है वो भी आप लोग देख सकते हो। आने के लिए आपको रिवर क्रूजेस वगैरह वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे आप लोग आ सकते हो। रोप वे का वीडियो हमने दिखाया, वो देख लीजिएगा। रोप वे का भी फैसिलिटीज है यहाँ आने के लिए, और यहाँ के लोग बहुत अच्छा कोऑपरेटिव होते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग राउंड शेप वाला घर देख रहे हो, ये एक्चुअली मंदिर में अंदर करने से पहले ही यहाँ दिया लगाते हैं। अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को। और एक बात, यहाँ असम में मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल का दिया लगाते हैं, और साथ ही साथ में कोई कोई लोग घी का भी दिया लगाते हैं, ये यहाँ का कस्टम है। वीडियो में कमियां खमियां जो है थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा लैकिंग कहाँ है, ड्रॉबैक्स कहाँ है। आप लोग बताइएगा तभी ना हमको पता चलेगा कि हमारा कमियां कहाँ है, ताकि हम लोग आगे जाके आप लोगों को परफेक्ट प्रेजेंटेशन दे सके। बर्मन्स ब्लॉग का फैमिली मेम्बर होने के नाते मैं इतना तो मांग आप लोगों से कर सकता हूँ ना, आप लोग शायद बुरा नहीं मानेंगे। अगरबत्ती दिया ये सब लगाने के बाद हम एंटर करेंगे मंदिर के अंदर। ये एक ऑफिस मिलेगा जहां आप लोग जो भी प्रसाद वगैरह देना चाहोगे, अनुदान कुछ देना चाहोगे, तो ये ऑफिस में आके दे सकते हो। गाड़ी वाड़ी पूजा करना है, यहां लिस्ट लगा हुआ है, यहां से आपको पता चल जाएगा। और कोई अगर यहां अनुदान देना चाहते हो तो डायरेक्ट वहाँ जाके काउंटर पर दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन मंदिर,
और यहाँ एक बात बता देता हूँ, यहाँ फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो हम अंदर मंदिर का जो भगवान का जगह है वहाँ हम लोग कोई फोटो नहीं लिए हैं, वीडियो नहीं लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने के बाद अभी समय आ गया है हम लोगों को प्रसाद सेवन करने का, जो कि हम लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि हम समय पे पहुँचे हैं। जो मैंने पहले ही बोला कि इंडिया का सबसे स्वादिष्ट प्रसाद में से है ये दौल गोविंद मंदिर का प्रसाद, तो ये भी हम लोग अभी सेवन करेंगे, इसका टेस्ट लेंगे। तो चलिए हम भी खड़े हैं अभी लाइन पर, मेरा नंबर आ गया, चलिए ले लेते हैं। इतना ही अबाउट दौल गोविंद मंदिर इन नॉर्थ गुवाहाटी असम। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देख के पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, आज यहीं पे ये वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे कम्फर्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।